नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने शो स्वाद की रसोई में। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी शर्मा। दिवाली का सीजन है और चारों ओर जो खुशियां हैं वो दीपों के रूप में उजाला फैला रहे हैं, तो क्यों ना आप इस दिवाली अपने घर में कुछ एक्सक्लूसिव बनाएं और अपने घर आने वाले मेहमानों को भी उसका स्वाद चखाएं। तो चलिए लिए चलते हैं आपको आज एक नए स्वाद के सफर पर हमारे आज की कुकिंग एक्सपर्ट के पास और जान लेते हैं उनसे कि आज की वो कौन सी दो दिवाली स्पेशल रेसिपीज है जो वो आपको और हमें सिखाएंगी, और वो स्पेशल रेसिपीज जो है उसे हम चखेंगे भी और आपको सिखाएंगे भी कि उन्हें कैसे बनाना है और कितने इजीली वो आपके घर के किचन में बनाई जा सकती है। तो चलिए बिना देर करते हुए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की कुकिंग एक्सपर्ट से। तो अब हमारे साथ है हमारी आज की कुकिंग एक्सपर्ट अनुभूति दोषी जी। अनुभूति जी, बहुत स्वागत है आपका स्वाद की रसोई में। थैंक यू सो मच। अनुभूति जी, आपके डिशेस क्या हैं वो हम जाने, उससे पहले हमारे सभी व्यूअर्स ज़्यादा उत्सुक हैं कि आप उन्हें अपने बारे में कुछ बताएं कि कुकिंग के अलावा आप क्या क्या करती हैं। कुकिंग के अलावा बहुत सारे शौक हैं, पर सबसे मेन तो है कि मेरा तो आर्टिस्टिक हैंड है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे बहुत शौक है। उसके अलावा मैं रनर हूँ, मैं साइकिलिस्ट हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मुझे क्रिएटिव काम करने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है मुझे। तो आप ऑल इन वन बॉक्स हैं शायद कह सकते हैं। ओके, तो कुकिंग जो है ये आप मतलब करती आई हैं या शादी के बाद इसका शौक लगा? ये जो एक्सपेरिमेंट्स करने का जो ये ज़्यादा एक मोटिव हुआ, ये कब हुआ? एक्सपेरिमेंट करने का मोटिव तो बच्चों के बाद हुआ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं अरे मम्मी यदि इसमें ये डलता तो बहुत अच्छा लगता। हस्बैंड बोलते हैं शायद ये थोड़ा इसमें मीठा ज़्यादा होता तो अच्छा लगता। तो फिर वो चीज़ें वेरिएशंस उसमें आते गए, तो ऐसे चीज़ें बनती चली जाती है। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करती हैं अनुभूति जी। तो किचन में चलते हैं और रेसिपीज बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब हम आ गए हैं हमारे किचन में और शुरुआत करते हैं हमारी आज की रेसिपीज की हमारी आज की कुकिंग एक्सपर्ट के साथ। अनुभूति जी, कौन सी डिश हम आज पहले बनाने वाले हैं? पहले हम पिज़्ज़ा कुकीज़ बनाना तैयार करेंगे। ठीक है, तो पिज़्ज़ा कुकीज़ ब्रीफ में एक प्रोसेस आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे बनेगा और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स। हाँ बिल्कुल, पिज़्ज़ा कुकीज़ में चूँकि कुकीज़ है इसलिए सबसे पहले मैदा लेंगे। ठीक है, फिर पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डलेगी, उसमें चीज़ भी बहुत सारा डलेगा क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आता है। बटर डलेगा और टोमेटो प्यूरी, बस यही चीज़ें हैं इसमें और बहुत इजी रेसिपी है, फटाफट तैयार होने वाली रेसिपी है। चलिए ठीक है, चीज़ तो मुझे भी बहुत पसंद है तो उसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम सबसे पहले मैदा लेंगे, 175 ग्राम मैदा लेंगे। इसमें हम चीज़ डालेंगे 100 ग्राम, हमने ग्रेट कर लिया है। हाँ, ग्रेटेड चीज़ है ये। ठीक, इसमें हम बटर लेंगे 100 ग्राम। मेजरमेंट्स से जितना हम डालेंगे उतने हाँ, हमारे कुकीज़ अच्छे बनेंगे। एग्जैक्ट बनेगा ना, उसमें आपको कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जी, उसके बाद में हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी 1/4 कप। 1/4 कप, बहुत ही कम अमाउंट लगेगा इसका। हाँ बहुत कम, पर क्या है प्यूरी डाली है तो इसमें पिज़्ज़ा में जैसा टेस्ट आएगा। हाँ बस एक टेस्ट आएगा। ब्लैक ऑलिव्स हमने इसमें कट करके एकदम बारीक चॉप्ड करके डाले हैं। शुगर लेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून। सॉल्ट टू टेस्ट। बहुत सिंपल रेसिपी है, सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको बस हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, क्योंकि चीज़ अपन ने इसमें ग्रेट करके डाला है तो बहुत ज़्यादा चीज़ को वो दबाना नहीं है। जी, हल्के हाथ से एकदम। बहुत ही सिंपल रेसिपी हाँ, है और दिवाली सीजन तो मुझे लगता है हिट करेगी और सभी को अपने घर पे बनानी चाहिए ताकि कुछ अलग भी मिले। हम लोग जो ट्रेडिशनल चीज़ें बनाते हैं वो तो है ही, लेकिन हाँ कुछ अगर अलग भी बनाएंगे तो यू नो आने वाले जो गेस्ट हैं घर में, जो बच्चे हैं, सभी हाँ, को अच्छा लगेगा। सभी को अच्छा लगेगा, और चीज़ तो किसको पसंद नहीं है, चीज़ तो सभी को पसंद है। जी, और हम बाहर से जाकर जो डिशेस बनती है वो खाएं, इससे अच्छा है हम घर में ही बनाएं। और पिज़्ज़ा क्या पूरे टाइम तो नहीं बना सकते कि बच्चों ने कहा मम्मा आज पिज़्ज़ा चाहिए और पिज़्ज़ा बनाया, तो कुकीज़ तैयार है तो बच्चे कभी भी ले सकते अच्छा हैं। अच्छा, तो हम इन्हें स्टोर करके भी हाँ, रख सकते स्टोर हैं, लाइक इसमें चीज़ है, टमाटो प्यूरी हाँ, है, ऐसी चीज़ें हैं तो ख़राब तो नहीं? नहीं, 5-6 डेज नहीं होगी ख़राब। नहीं होगी ख़राब। अब एक बार जब हमारा जो बैटर है ये तैयार हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको बैटर को तैयार करके इसको 15 मिनट फ्रिज में रखना है।
उसके बाद बस बेल के कुकीज़ काटनी है और माइक्रोवेव में बेक करेंगे। तो 15 मिनट फ्रिज में क्यों रखा जाता है इसे? कुछ इसमें बटर है तो बटर के कारण जब फ्रिज में करते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाता है और बेलने में भी फिर कोई दिक्कत नहीं होती जी। ये हमने इसको रेडी कर लिया है, रेडी कर थोड़ा इसको ऐसा फैला देते हैं और फिर इसको 15 मिनट फ्रिज में रखते हैं। ये 15 मिनट हमने फ्रिज में रखा, अब हमारा डो बिल्कुल रेडी है जी। बस अब हमें इसको बेलना है और बेल के कुकीज़ तैयार करनी है। बहुत ही इजी रेसिपी है। हाँ, तो बहुत इजी रेसिपी। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स का बस एक डो बनाया, हमने 15 मिनट फ्रीज में रखा और अब हम इसकी कुकीज़ बना लेंगे। बस ये कैसे मतलब थॉट आया था आपको दिमाग में कि मतलब ऐसा भी हम बना सकते हैं? ऐसे थोड़ा बहुत मैं देखती रहती हूँ, थोड़ा बच्चे आइडिया देते हैं कि मम्मा ऐसा होता तो कितना अच्छा लगता, मम्मा ऐसा बनाते तो बहुत टेस्टी बनती। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ का ट्राई करते हैं क्योंकि बच्चों को, मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है जी। तो ट्राई करा सभी बच्चों को चीज़ बहुत हाँ, पसंद बिल्कुल होता सही है। तो आप लाइक कुकिंग में ऐसे घर पे एक्सपेरिमेंट्स हाँ, करती रहती या फिर आप सीखती भी है? नहीं नहीं सीखा कुछ भी नहीं, बस एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा, कभी फ्रेंड से पूछा थोड़ा। और शादी से पहले भी मतलब आप कुकिंग किया करती थी? शादी के पहले तो कभी कुकिंग ये मैंने बेलते वक्त इसमें अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल अच्छा, दिया ठीक है, तो थोड़ा इसका टेस्ट भी आ जाएगा, स्पाइसीनेस आ जाएगा। हाँ, ओके। और थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो जाएगा जी। अब मैंने बेल लिया है, थोड़ा इसको मोटा ही बेलना है जी। और मैंने अब ये कटर से इसको मैं और ये हमारी कुकी बन चुकी है। हाँ। अब चिली फ्लेक्स डालने से बहुत ही थोड़ी कलरफुल हो गई है और ब्यूटीफुल लग रही है। बस ये बेकिंग के लिए तैयार। हाँ, अब हमको माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री में 15 मिनट इसको बेक करना है। चलिए ठीक है, तो अब हम ओवन में इसे बेक करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी कुकीज अब बिल्कुल रेडी है। हम इसको माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक कर देंगे। ये 15 मिनट अब हो चुके हैं, तो देखते हैं हमारी लग रहा है कि बेक हो गई है। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि रेडी हुई या नहीं। हाँ बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ब्राउन कॉर्नर पे ब्राउन कलर भी आ गया है, इसका मतलब कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं। तो अब चलिए इसकी प्लेटिंग की, इसे सर्व करने की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी कुकीज अब बनकर पूरी तरह तैयार है। अनुभूति जी बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही सुंदर जो है आपने इसे प्रेजेंट भी किया है। हाँ। बिल्कुल दिवाली का ये जो सीजन चल रहा है, दिवाली एकदम बिल्कुल कलरफुल उसी तरह से नजर आ रहा है। आप टेस्ट करके देखिए कि बनी कैसी है। जी बिल्कुल, दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही है। जो चिली फ्लेक्स हमने ऊपर से डाले थे वो हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मतलब बेक होने के बाद जो ऊपर और नजर आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छे चिली फ्लेक्स दोनों के कारण वो एकदम। और मुझे लगता है कि खाने के बाद वो तो पता चलेगा, लेकिन वो पिज्जा का एकदम एग्जैक्ट फ्लेवर देगा। हाँ, और जो चीज का जो टेस्ट है वो मुंह में, मतलब इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, स्वाद एकदम भूलिएगा। मुझे टेस्ट कर लेने दीजिए, चीज का नाम सुनते ही मेरे मुंह में बार बार पानी आ रहा है। टेस्ट कीजिए। अनुभूति जी बिल्कुल मतलब ऐसा ही लगता है कि आप एक पिज्जा का थोड़ा सा एक कॉम्पैक्ट वर्जन खा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया था, चीज़ का जो स्वाद मुंह में खुलता है दैट इज अल्टीमेट। और इसी के साथ जो इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स हैं, जिससे अक्सर हम पिज्ज़ा को गार्निश करने के बाद ही खाते हैं, वो भी बिल्कुल एक ऐसा फील दे रहे हैं। और जो हमारा पिज्ज़ा का बेस होता है वो भी मैदा ही होता है, और जो हमारी कुकीज़ हैं ये भी मैदा की हैं। तो बिल्कुल वाकई में ये पिज्ज़ा कुकीज़ हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और इस दिवाली सीजन आप अपने घर आने वाले गेस्ट को ये ज़रूर खिलाएं, और बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है। तो अपने घर पर ये रेसिपी बनाने के बाद आपको ये कैसी लगी इसे हमें बताना भी मत भूलिएगा। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सिखाएंगे आपको आज की दूसरी रेसिपी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्वाद की रसोई में, और हमारे साथ हमारी कुकिंग एक्सपर्ट अनुभूति दोषी लगातार बनी हुई है। अनुभूति जी, सेकेंड रेसिपी आज की कौन सी होने वाली है?
सेकंड रेसिपी अब एक नमकीन हो गया तो अब स्वीट की बारी है जी बिल्कुल। और दिवाली तो त्योहार होता है, जब कोई हमारे घर आता है तो हम उन्हें मीठा जरूर खिलाते हैं, वो मीठा कराए बिना नहीं बेचते। तो क्या है हमारे आज की स्वीट डिश? ये हमारा चॉकलेट पान मोदक है। चॉकलेट पान मोदक, तो ये दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी है बड़ों के लिए भी है। क्योंकि बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि उसका आउटर लेयर चॉकलेट का है, और बड़ों के लिए इसलिए क्योंकि उसका अंदर जो स्टफिंग, जो फिलिंग अपने की है वो हमने पान और गुलकंद की है। तो ये इसको हम एक मोदक का शेप देंगे ताकि ये तीनों तरह से एक डेजर्ट हो जाए जी, है ना? चलिए ठीक है ना, इसकी प्रिपरेशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, इसके लिए हमको सबसे पहले गुलकंद चाहिए। गुलकंद 1 टेबल स्पून लेंगे हम, ठीक है। उसमें हम 1 टीस्पून खोपरा बुरा लेंगे। ये हम उसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं। हाँ, उसकी फिलिंग के लिए थोड़ा सा हम जो ये कलरफुल बच्चों को जो पसंद आती है सॉफ्ट गोली वो लेंगे, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी लेंगे, और पान के पत्तों को एकदम बारीक काटा काट के लिया है ताकि पान का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। ये भी मतलब आप पहले तो ट्राई कर ही चुकी होगी चॉकलेट पे, तो मैंने इतना ट्राई किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, कॉफ़ी की बनाई है और बटर स्कॉच बनाया है, मतलब जो भी फ्लेवर कुछ ऐसा नया हमको दिखा, ऑरेंज का, मैंगो का, मैंगो पापड़ का, बहुत सारे चॉकलेट में बहुत वेरिएशन किए। तो हम इसमें पान की जगह बहुत सारे और भी चीज़ें जो भी कुछ हमारे पास हो उसे वेरिएट कर सकते हैं। हाँ, अभी पान तो इसलिए डाला है क्योंकि इसमें गुलकंद डाला है और ये पान का ही फ्लेवर बना रहे हैं, इसलिए पान के पत्ते डाले हैं। और यूजुअली बच्चों को हम पान खाने भी नहीं देते हैं, तो हमें किसी ना किसी तरह से इस चीज़ का फ्लेवर मिल सकता है। फ्लेवर मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है रेसिपी, मतलब अब तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए होंगे कुकिंग में। तो अब आपके घर वालों का, आपके हस्बैंड का, स्पेशली आपकी जो मदर इन लॉ है, जो कि हमेशा मतलब ऐसा कहते हैं कि जो बहुएं अगर परफेक्ट नहीं होती है तो उन्हें डांट लगाती है, नहीं, अब तो आपको डांट नहीं लगती होगी? हमारे यहाँ तो बहुत उल्टा है, हमारे यहाँ तो कभी डांट नहीं लगती, उल्टा प्यार ही मिलता है। अब तो आप मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो गई होंगी, तो फरमाइशें तो बिल्कुल धड़ाधड़ा आती होंगी आपके हस्बैंड की तरफ से। थोड़ा क्या, एक्सपेक्टेशन थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि आप कुछ अच्छा करते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। सही बात है। और हर बार ऐसा रहता है कि आप दिवाली पे इस बार क्या नया, इस बार क्या नया, तो इस बार चॉकलेट पान मोदक नया है। हाँ, तो अब हमारी स्टफिंग की बॉल्स जो थी वो पूरी तरह से बनकर अब तैयार है। अनुभूति जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में ये है कि हमने हाफ कप चॉकलेट लिया है, डार्क चॉकलेट, ठीक है, इसे हाफ कप लिया है, इसको हम माइक्रोवेव में मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे? मेल्ट करने के बाद में जब चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा तो हम सबसे पहले मोल्ड में थोड़ा चॉकलेट डालेंगे जी, ताकि बेस उसका चॉकलेट हो जाए, फिर हम ये बॉल्स उसमें डालेंगे, स्टफिंग हो जाएगी, ऊपर से और थोड़ा सा चॉकलेट डाल देंगे, और इस मोल्ड को फिर हम फ्रिज में थोड़ा चॉकलेट को सेट होने के लिए रख देंगे। तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें चॉकलेट मेल्ट करना होगा, तो हम चॉकलेट मेल्ट कर, हाँ, इसको हम माइक्रोवेव में 30 to 40 सेकेंड तक के लिए मेल्ट कर देते हैं। माइक्रोवेव में 40 सेकेंड के लिए रख रही हूँ मेल्ट होने के, देखते हैं टाइम तो हो गया है, चॉकलेट मेल्ट हो ही है नहीं। चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो चॉकलेट हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जो स्मेल होती है मेल्ट होने के बाद चॉकलेट की, वो तेज़ हो गई है, तो अब हम भी तेज़ तेज़ ये प्रोसेस करते हैं और जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं। ये मोल्ड्स हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं? इजीली अवेलेबल है, हर शेप में मिलते हैं। पहले हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ये हम बॉल्स इसमें डाल रहे हैं जी। अब इसको फिल कर देते हैं, हम इसको दोबारा से अब ऊपर से फिल कर देंगे ताकि जो बेस है वो भी चॉकलेट का बन जाए। हमने इसे मोदक का शेप बनाया है तो इसलिए हमने इसे पान मोदक बना दिया है। और किस तरह से हम इसे बना सकते हैं? आप ऐसे ही इन बॉल्स को डायरेक्ट भी चॉकलेट में डिप कर सकते हैं, तो वो एक लड्डू का शेप, गोल लड्डू का शेप हो जाएगा जी। या फिर कोई हार्ट शेप यदि किसी को ज़्यादा पसंद है,
या अलग अलग बहुत शेप के मार्केट में मिलते हैं मोल्ड्स, तो उस शेप का भी हम बना सकते हैं। अभी ये हो गया है ऑलमोस्ट फिल, अभी इसको हम थोड़ा सा ऐसा टैप कर देंगे ताकि वो चॉकलेट एक लेवल पे हो जाए, और इसको हम थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। लगभग कितनी देर में सेट हो जाएगी? दो या तीन मिनट। उसके बाद हम मोदक निकाल भी सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके बाद हम ये डस्ट रखा है हमने ग्रीन कलर का, क्योंकि ये पान का हमने बनाया है, पान स्टफिंग की है, इसलिए ग्रीन कलर लिया है मैंने, तो थोड़ा ग्रीन कलर से उसको डेकोरेट भी कर देंगे। तो चलिए ठीक है, अब दो मिनट के लिए हमारी ये जो ट्रे है इसको हम डीप फ्रीज में रख देते हैं। बिल्कुल, अब हमारे मोदक लगभग सेट हो गए हैं। फ्रिज में रखने के बाद हमने इसे निकाल लिया है, करीब 4 से 5 मिनट इसे फ्रिज में रखा था। और बताइए अनुभूति जी, ये पूरी तरह हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल हो गए हैं। अब हम इसको डी मोल्ड कर देंगे। अरे वाह, ये बहुत ही आसानी से निकल गए। अब हम इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर से डेकोरेट कर प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि दिवाली सीजन है तो हम इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की, खाने की चीज सबसे ज्यादा इच्छा तभी होती है जब वो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा हो। प्रेजेंटेशन अच्छा हो जी। चलिए हमारे पान मोदक रेडी हैं टेस्टिंग के लिए, और इसे बहुत ही सुंदर तरीके से अनुभूति जी ने प्लेटिंग किया है, इसकी सर्व किया है। अनुभूति जी, चूँकि समझ में आ रहा है देखते से, क्योंकि पान मोदक है, आपने पान और इसके अंदर जो हमने स्टफिंग की थी, जो डिफरेंट कलर्ड सौंफ की, टूटी फ्रूटी की, और वो सब के साथ आपने इसे सर्व किया है, तो बहुत अच्छी खूबसूरत प्लेटिंग की है कि देखते से लपकने को मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है फट से चोरी से जब कोई ना देख रहा हो उठा के एक मुंह में डाल लिया जाए। क्यों? बिल्कुल, आप टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। जी बिल्कुल, तो अब टेस्टिंग की बारी आ गई है, मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। वैसे साइज अपने उसी हिसाब से रखा था कि एक बार में पूरा मुंह में जा सके। पान का जो फ्लेवर है वो बहुत इजीली एक्सेप्ट किया जा सकता है मुंह में। इसको खाने के बाद जो आपके टेस्ट बड्स होते हैं, किसी पे चॉकलेट, किसी पे टूटी फ्रूटी, बिल्कुल, किसी पे पान गुलकंद, तो वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स आपके मुंह में जब आप इसको लेते हैं तो आते हैं। बहुत ही टेस्टी है। अगर आपने इसे नहीं खाया है, नहीं ट्राई किया है, तो आप प्लीज मुझे देखते मत रहिए, आप जल्दी से किचन में जाइए, इंग्रेडिएंट्स जुटाइए जो कि बहुत इजी है, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, और जल्दी से ये जो हमारा आज का पान मोदक था इसकी रेसिपी बनाना शुरू कीजिए। दिवाली का सीजन है, कभी भी आपके घर गेस्ट आते होंगे तो जल्दी से आप जाइए और ये रेसिपी बताइए, और ये मत भूलिएगा हमें बताना कि ये रेसिपी जो आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि स्वाद की रसोई की टीम आपके घर आकर आपकी रसोई का जायके का स्वाद ले, तो नीचे दिखाए जा रहे नंबर्स पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए और देखना मत भूलिए इन रेसिपीज का एक रीकैप। पिज्जा कुकीज बनाने के लिए आपको चाहिए बटर, मैदा, चीज, शक्कर, नमक, ऑरिगेनो, काला ऑलिव, टमाटर प्यूरी, चिली फ्लेक्स। एक बाउल में 175 ग्राम मैदा लें, 100 ग्राम ग्रेटेड चीज डालें, 100 ग्राम बटर और आधा चम्मच ऑरिगेनो डालें, 2 चम्मच टमाटर प्यूरी और बारीक काले कटे ऑलिव डालें, 1 चम्मच शक्कर और नमक स्वाद अनुसार डालें, मिक्स कर 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। तैयार आटे को बेल कर चिली फ्लेक्स डालें। कुकीज का शेप देकर 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें, प्लेट में निकाल कर सॉस के साथ सर्व करें। चॉकलेट पान मोदक बनाने के लिए आपको चाहिए डार्क चॉकलेट, पान के पत्ते, गुलकंद, नारियल का भूरा, कलर्ड सौंफ, टूटी फ्रूटी। एक बाउल में 1 चम्मच गुलकंद डालें, 1 चम्मच नारियल का भूरा डालें, आधा चम्मच कलर्ड सौंफ और टूटी फ्रूटी डालें, क्रश किए हुए पान के पत्ते डालकर बॉल्स बना लें, डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लें, मोल्ड में मेल्टेड चॉकलेट डालकर तैयार बॉल्स डालें, ऊपर से मेल्टेड चॉकलेट डालकर 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें,
प्लेट में निकालकर गार्निश कर सर्व करें।